नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मेदर दक्षिण के मोगदल ग्राम में वसीम वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 200 किसानों को बारिश में उपयोग होने वाले आवश्यक वस्तुओं का किया गया वितरण। कर्नाटका में विधानसभा सुरक्षा टीम ने 250 फर्जी पास किए जब्त। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भारी बारिश से एक पुल बह गया, कई इलाकों का टूट गया संपर्क। यूएई के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, अबू धाबी एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सपा नेता आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। अब समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण के मोगदल ग्राम में वसीम वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 200 किसानों को बारिश में उपयोग होने वाले आवश्यक वस्तुएं जैसे कि जैकेट, छाता और बारिश से बचने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें वितरित की गई। वसीम वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद वसीम शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को मोगदल गांव में वसीम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा टीम के साथ बरसात के मौसम में किसानों और जरूरतमंद लोगों में यह चीजें वितरित की गई। हैदराबाद से मुंबई जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप बरकुंडा के मगदल गांव में बरसात के मौसम के दौरान किसानों को उनके दैनिक उपयोग के लिए जैकेट, रेक्सिन कैप, छाता और मशाल वितरित की गई। वह किसानों और जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इस कार्य के लिए मोगदल गांव के निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ता भी किसानों की मदद करने के लिए उनका अभिनंदन किया गया। केपी न्यूज से बात करते हुए मोहम्मद वसीम ने कहा कि किसानों के बच्चों के लिए स्कूल के लिए पुस्तकें और शादी में मदद के लिए उनके द्वारा 2011 से काम किया जा रहा है। इस अवसर पर वसीम वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद वसीम के साथ सामाजिक कार्यकर्ता शेख सिद्दीकी, सैयद हुसैन, मोहम्मद यूसुफ, शाहबाज, ताहिर अली, सुल्तान पटेल, वेंकट रेड्डी, रंगारेड्डी, कश्यप सिंदोल, रमेश और मोगदलगांव से शरनुक पाटिल, इम्तियाज, मोहम्मद वस्तान सहित किसान और गांव के लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता आयुषी की रिपोर्ट। किसान जो देश का अन्नदाता है, हम सभी का पेट भरता है। अन्न वहीं से आता है और उसके बाद जब हम तमाम मुश्किलें देखते हैं, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, तो सबसे ज़्यादा सफ़र भी किसान ही करते हैं। पर वहीं कई लोग होते हैं जो उनके बारे में सोचते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। पर वहीं राजस्थान की बात करें या अन्य किसी प्रदेश की बात करें, वहाँ पर ऐसी समस्याएं अमूमन देखी जाती है। पर वहीं जब कर्नाटका की बात आती है तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तमाम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद किसानों को किस तरीके से राहत प्रदान की जाए। इसी को लेकर वसीम फाउंडेशन हमारे साथ है, वसीम रिलीफ फाउंडेशन हमारे साथ है, मोहम्मद वसीम हमारे साथ है। इस फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, आपसे समझना चाहूँगी यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए आपको कब ये ख्याल आया कि मुझे किसानों के हित में काम करना है? मैं 2011 से ये चीज़ करता था, मैं 2011 से मैं चालू करा। ये होने के बाद मेरे को करते 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 अब ये हो गया। ये होने के बाद मैं और लोग में गांव गांव जाके तमिगेल्लरिगे आदर स्वागत बयसुत्तेने। यारे तमूर एने तम बेकादर वसीम फाउंडेशन एन बी अद यार निम्गे एने मनेगे जरूरत आगलि एने बड़ रैतर आगलि एमि निम्गे जरूरत अद अवरेल्ल निम्गे संबंधपट्टिद एन बी अद निम्गे एने सहाय माड्तारे। अदे रीतियागि यारिगे जरूरत एने अद अष्टेन सरियाद रीतियागि नीवु एल्ल उपयोगिसिकोबेकु। बेकादोरिगे कोट कोडलरु हिंगेल्ल यारिगे एनु जरूरत अद इद्दिद्देल्ल करेक्ट हेळि तकोंड्र अंद्रे अद गरीब मंदि सवलत इदे। एल्लरिगे नमस्कार। ये वसीम फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम चालू हो गया है, इसी पहले खासिमपुर सी में किया गया है। जो गरीब किसान और जो खेत को जाते हैं वैसे लोगों के लिए छतरी और लाइट और रेनकोट ये सब दिया जा रहा है, इसलिए कि किसान लोग बारिश में कुछ परेशान नहीं होना, जाके अपने खेत में काम करना। इसलिए इन्हों वसीम फाउंडेशन की तरफ से हर किसान को अब खासिमपुर होने के बाद इवर वसीम अंतर हिंग फौंडेशन अद स्वंत और मेहनती रोकल तंद हिंगेल रैतर याकंद्रेल मलगल फल को सिंचन और छत्री मत उसे बैट्री बेल रात्रि करेंट चाल मल हि अंदर और बैट्री मत मल हों जन कोट अल हाँ हमला अंत हिंग और ओन तंद निम्ल रैतर हमली सहाय अंत हईदराबाद बंद इलेल जन हेल्प पे मगदल गांव की तरफ से जो जमा हुई है बहुत खुशी की बात है। ये वसीम रिलीफ फाउंडेशन बोल के हम लोग एक नया संस्था बनाया, प्राइवेट संस्था है। ये संस्था में क्या है, किसानों को हेल्प होना,
लेबर को हेल्प होना बोलते एक योजना बनाई सो है, इसके लिए क्या है एक प्लास देना है और तुम्हारे को कैप देना है और बैटरी देना है, छतरी देना है, रेनकोट देना है, ये देना है तो ये इनकी तरफ से तो इनके हमारे वसीम मियां की तरफ से देना है। ये गरीब लोगों को हेल्प करेंगे और हमारे एक नेचर उनका ऐसा है कि गरीब लोगों को हेल्प करने का नेचर है, इसके लिए ये मगदल गांव ऐसा चॉइस करे, उन्होंने हमारे गांव बैठक के लोग हैं देंगे बोल के उन्होंने चॉइस कर लिया, इसके लिए कासिमपुर दिए, उसके बाद मगदल सेकंड हुआ, इसके बाद में और राजगिरा है और दूसरे दूसरे गांव में भी देना है इसको हेड को भी। अगर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में शुक्रवार रात बीदर में एंटी राउडी स्क्वाड गांधीगंज पीएस ऑपरेशन ब्रोकन विंडो के तहत कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में सैयद पटेल पीएसआई और गांधीगंज पीएस स्टाफ द्वारा पुलिस को महिलाओं और जनता के सदस्यों द्वारा की गई हालिया शिकायत पर कार्यवाही करते हुए गांधीगंज पीएस में सार्वजनिक स्थानों, पार्कों और सड़कों के किनारे सड़क पर शराब पीने वालों, शरारत करने वालों और उपद्रवियों के खिलाफ कानून के ढांचे के भीतर कार्यवाही की गई। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा सुरक्षा टीम ने शुक्रवार को 250 से अधिक फर्जी पास जब्त किए। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने ऐसे संदिग्ध तरीकों का सहारा लेने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। विधानसभा के सुरक्षा अधिकारी उस समय सतर्क हो गए जब 7 जुलाई को 72 वर्षीय तिप्पे रुद्रप्पा नाम के एक व्यक्ति ने सुरक्षा का उल्लंघन किया और बजट सत्र में भाग लिया। उसी दिन स्पीकर यूटी खादर ने एक बैठक की और इसे रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। मीडिया से बात करते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त एसडी शरणप्पा ने कहा, हमारे पास आमतौर पर कड़ी सुरक्षा जांच होती है, बजट सत्र के दौरान हुई इस घटना के बाद हमने बल बढ़ा दिया है और जांच तेज कर दी है। शुक्रवार के दोपहर 3 बजे चंद्रयान लॉन्च के मौके पर धारवाड़ के एक कलाकार ने इसरो को खास शुभकामनाएं दी हैं। केलागिरी गायत्रीपुरा के पर्यावरण अनुकूल कलाकार मंजुनाथ हिरेमठ ने इसरो को उसके काम के लिए बधाई दी। एलएमवी रॉकेट के छोटे नमूना बनाने वाले कलाकार मंजुनाथ ने प्रार्थना की है कि इस बार का चंद्र मिशन किसी भी तरह से बाधित नहीं होगा। मंजुनाथ हिरेमठ चंद्रयान का छोटा मॉडल बनाया, पिछली बार रोवर को लैंडिंग में दिक्कत आई थी लेकिन इस बार ऐसा ना हो इसीलिए उन्होंने भगवान से खास प्रार्थना की है। मंजुनाथ ने मिनी रॉकेट को भगवान गणेश के सामने रखकर प्रार्थना की और विघ्न निवारक भगवान गणेश से प्रार्थना की कि इस बार रॉकेट के प्रक्षेपण में कोई परेशानी ना हो। चंद्रयान 3 शुक्रवार दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। मंजुनाथ हिरेमठ पहले भी कई बार अपने हुनर से कलाकृतियां बनाने को लेकर चर्चे में रह चुके हैं। केपी न्यूज के लिए एंकर हीना शेख की रिपोर्ट। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के जयंत मंडल गांव में भारी बारिश के कारण तरनम ब्रिज के नीचे बना एक अस्थायी पुल ढह गया, जिसे छात्रों और जनता को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा है कि नाम मात्र का बना हुआ पुल ढह गया है, पुल के कारण जनता और छात्रों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जयंत बेला मंडल केंद्रों से कई युवा रोजगार के लिए आलिदाबाद जिला केंद्र जाते हैं। लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इस पुल का निर्माण नहीं होने से जयंत मंडल केंद्र जाने वाले छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोग टावर के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द इस पुल का पुनर्निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482127। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम से दीक्षा बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 1800123947। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलोर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा की आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज वो नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर 9591978663। टोल फ्री नंबर 1800123947। www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम,
सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता UCC का विरोध करेगी। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं तो आपको अंतर दिखाना होगा कि आप भाजपा के तय एजेंडे का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों को बड़े चौधरियों का क्लब बताया। ओवैसी ने कहा कि आपने विपक्षी दल हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों को बैठक में आमंत्रित नहीं किया है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजनीति के प्रमुख खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे को खत्म करने के बाद आज संयुक्त अरब अमीरात UAE के दौरे पर पहुंचे, जहां अबूधाबी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी अपने इस दौरे पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक दिवसीय यात्रा पर अबूधाबी पहुंचे हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान मोदी शीर्ष नेतृत्व के साथ खास तौर पर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों पर बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान दोनों रणनीतिक साझेदार देश के ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद अबू धाबी पहुंचे हैं। वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में बेस्टिल दिवस परेड में शामिल हुए और उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एनडीए की बैठक में शामिल होने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चिराग पासवान को पत्र लिखा है, जिसे समाचार एजेंसी ANI ने शेयर किया है। बता दें कि 6 जुलाई को चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। चिराग पासवान के साथ ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को भी न्योता भेजा गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक 18 जुलाई को नई दिल्ली के होटल अशोक में होगी। इस बैठक को लेकर JP नड्डा ने निमंत्रण भेजा है। चिराग पासवान को लिखे पत्र में JP नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA का महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आजम खान को 2019 हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। रामपुर की MP और MLA कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। आजम खान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। आरोप यह है कि आजम ने UP के CM योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 वर्ष कारावास और ₹1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी की फ्रांस की यात्रा पर ट्वीट करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी के ट्वीट पर पलटवार किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार 15 जुलाई को ट्वीट कर लिखा, एक महिला जो अन्य महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर एक शब्द भी नहीं बोलती, जो हमारे एथलीटों के यौन शोषण पर चुप रहती है, जो कमर तोड़ने वाली महंगाई पर चुप रहती है, उनका काम सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, स्मृति ईरानी अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दी गई हैं, केवल सुर्खियों में बने रहना चाहती हैं। मैं आपको एक डॉक्टर को दिखाने का भी सुझाव देती हूँ। नफरत का ये स्तर खुद को नुकसान पहुँचाने वाला है। खूब सारी मोहब्बत, वही कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा। स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर PM से कुछ बोलने के लिए कहें। प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम रहे हैं लेकिन मणिपुर पर एक मिनट के लिए भी बात नहीं कर रहे हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है, यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम से दीक्षा बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 1800123947। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलोर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज वो नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं।
यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉल रूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के सब्जी की कीमतों पर बढ़ोतरी को लेकर मियां समुदाय के मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराने के बाद विवाद छिड़ गया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि सीएम राज्य के प्रमुख हैं और उनके मुंह से ऐसे शब्द सही नहीं लगते हैं। बदरुद्दीन अजमल ने कहा उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यह सब करके वो मुसलमानों और असामिया लोगों को अलग अलग बांट रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल ने आगे कहा कि अगर यह सब होने के बाद भी कोई घटना घटती है तो इसके लिए सरकार और सीएम हेमंत बिस्वा सरमा जिम्मेदार होंगे। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर के बॉलीवुड डेब्यू का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। शनाया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस से उसके जरिए जुड़ी भी रहती हैं। अब शनाया के फैंस के लिए खुशखबरी है, वह मोहनलाल के पैन इंडिया फिल्म वृषभा से डेब्यू करने जा रही हैं। वृषभा लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई थी, अब इसकी लीडिंग एक्ट्रेस की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। वृषभा में शनाया को एक्टर रोशन मेहका के अपोजिट कास्ट किया गया है। इस भव्य एक्शन एंटरटेनर फिल्म में शनाया का किरदार कुछ ऐसा है कि वह भूतकाल व वर्तमान काल की एक अहम कड़ी के रूप में सामने आती है। शनाया के अलावा इस फिल्म के जरिए गुजरे जमाने की एक्ट्रेस सलमा आगा की बेटी और एक पॉप गायिका के तौर पर अपनी पहचान रखने वाली जहरा एस खान भी एक पैन इंडिया कलाकार के तौर पर वृषभा के माध्यम से अपना डेब्यू करती नजर आएंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण के मोगदल ग्राम में वसीम वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से 200 किसानों को बारिश में उपयोग होने वाले आवश्यक वस्तुओं का किया गया वितरण। कर्नाटका में विधानसभा सुरक्षा टीम ने 250 फर्जी पास किए जब्त। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भारी बारिश से एक पुल बह गया, कई इलाकों का टूट गया संपर्क। UAE के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, अबूधाबी एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सपा नेता आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।